सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कार शो बाय जॉली वंस अगेन। और आज मैं शूट कर रहा हूँ निसान मैग्नेट फिर से, बट ये किसी भी तरह का डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू या वॉक अराउंड रिव्यू को एक वॉक अराउंड कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको एक्चुअली आपके जो भी डाउट्स हैं इस गाड़ी के रिलेटेड, स्पेशली बिल्ड क्वालिटी एंड क्वालिटी रिलेटेड एंड वाइब्रेशन रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं मार्केट में, काफ़ी सारी वीडियोज़ वायरल हुई हैं जो इस गाड़ी को बहुत ही हल्का क्वालिटी का बता रही हैं, तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करना चाहूँगा। मैं किसी भी कंपनी को यहाँ पर डिफेंड या क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, बट एट द सेम टाइम मैं आपके सामने बस सच्चाई लाना चाहूँगा कि सिर्फ बॉडी शेल एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं प्ले करता, अदर फैक्टर्स भी होते हैं। एंड मैं आपको बताऊंगा साफ साफ ही क्या इसमें अच्छा है क्या बुरा है सेफ्टी के हिसाब से, क्योंकि अभी तक ग्लोबल एनकैप या किसी भी टेस्टिंग एजेंसी ने इस गाड़ी को टेस्ट नहीं किया है, तो मैं या आप में से कोई भी वर्डिक्ट अभी तक पास नहीं कर सकते इस गाड़ी के बारे में। बट स्टिल मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की इस वीडियो में कोशिश करूँगा, तो ज़रूर अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो मैग्नेट जो गाड़ी है वो निसान एंड रेनो के अलायंस CMFA प्लस प्लेटफॉर्म पे बिल्ट है। तो ये वाला जो प्लेटफॉर्म है कुछ और गाड़ियों को भी अंडरपिन करता है, जैसे डैटसन रेडी गो, रेनो की क्विड और रेनो की ट्राइबर भी सेम प्लेटफॉर्म पे बिल्ट है। बट मैं आपको एक चीज़ की अश्योरेंस दे सकता हूँ कि किसी भी प्लेटफॉर्म को एज इट इज़ यूज़ नहीं किया जाता। हर कंपनी को गाड़ी के डायमेंशंस के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ एक्सपेंशंस, एम्पलीफिकेशन या रिडक्शंस करने पड़ते हैं प्लेटफॉर्म में। एंड प्लेटफॉर्म एक कोर एलिमेंट होता है एक किसी भी गाड़ी का, तो प्लेटफॉर्म आप कह सकते हैं एंड या आप उसको चेसी भी कह सकते हैं किसी भी गाड़ी की, एंड उसके ऊपर बाकी सारी चीज़ें रखी जाती हैं। सीट्स हो गया, स्टीयरिंग कॉलम हो गई, आपका जो भी इंटीरियर के सारे जो भी पार्ट्स हैं वो प्लेटफॉर्म पे ही बिल्ड करे जाते हैं। सो डेफिनेटली प्लेटफॉर्म एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है। बट ऐसा हम नहीं कह सकते कि अगर एक गाड़ी प्लेटफॉर्म पे किसी बन गई और उसने अच्छा टेस्ट रेटिंग नहीं स्कोर किया तो बाकी गाड़ियाँ भी नहीं करेंगी। मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि हर गाड़ी में एक्टिव एंड पैसिव सेफ्टी फीचर्स होते हैं कुछ। तो अगर आप रेनो की क्विड का एग्जांपल लेंगे या डैटसन की रेडी को लेंगे, तो उनमें आपको जो एक्टिव एंड पैसिव सेफ्टी फीचर्स हैं उतने ज़्यादा हाई नहीं मिलेंगे एज कम्पेयर टू द निसान मैग्नेट। वहीं अगर मैं आपको बताऊं कि एक्टिव एंड पैसिव सेफ्टी फीचर्स क्या होते हैं, तो एक्टिव सेफ्टी फीचर्स तो जो वो होते हैं जो आपके कोलिजन को या कोई भी क्रैश को प्रिवेंट करते हैं। तो अब ABS, EBD वगैरह तो स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं गाड़ियों में, बट मैग्नेट में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, ब्रेक असिस्ट मिलता है, व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलता है, तो ये सब चीज़ें आपको इस गाड़ी में मिलती हैं जो कोलिजन्स को प्रिवेंट करती हैं। तो ये होगा एक्टिव सेफ्टी फीचर्स। और अब पैसिव सेफ्टी फीचर्स तो आप जानते ही हैं, एयरबैग्स हो गया, कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक क्रम्पल जोन है किसी भी गाड़ी का एंड कितना जो शॉक है वो अब्सॉर्ब कर सकता है कोलिजन के बाद, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो प्ले करता है किसी भी गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग में। तो मैं और आप, जैसा मैं बता चुका हूँ, हम ग्लोबल एनकैप जैसी कोई एजेंसी तो नहीं है कि हम किसी भी गाड़ी के क्रैश टेस्ट रेटिंग को हम प्रिडिक्ट कर लें, बट हम ऐसा ज़रूर कह सकते हैं गाड़ी को देख के कि कितनी सेफ़ एक गाड़ी होती है, और वही मैं आपको आज बताऊंगा। तो अगर आप गाड़ी को छू कर बताएंगे कि गाड़ी कितनी हल्की है कितनी भारी है, उससे आप नहीं बता पाएंगे गाड़ी कितनी सेफ़ है, आपको एक आइडिया ही लग सकता है। बट जैसा मैंने बताया, बहुत सारे अलग फैक्टर्स भी होते हैं जो गाड़ी की सेफ्टी को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं, तो वो सब चीज़ों को आपको ध्यान में ज़रूर रखना पड़ेगा। सो गाइज, अब हम आ गए हैं इसके फ्रंट एंड पे, तो यहाँ पे मैं फीचर्स वगैरह एक्सप्लेन नहीं करूँगा, फीचर्स आप जानते ही हैं, आप डिटेल इसका वॉक अराउंड रिव्यू देख सकते हैं, राइट हैंड में आई बटन में मैंने आपको लिंक दे दिया है। और आप जानते हैं कि गाड़ी कम्पीट किन गाड़ियों के साथ करती है, तो आप जानते ही हैं कि 31 दिसंबर 2020 तक इसका जो इंट्रोडक्टरी ऑफर है जो एक्स शोरूम प्राइस है इसके बेस XE मॉडल का, वो है 4,99,000 रुपीज़। तो लगभग 5 लाख रुपये एक्स शोरूम में आपको कौन सी और गाड़ियाँ मिलती हैं। हम बेस मॉडल से शुरू होंगे फिर बाकी वेरियंट्स कंपेयर करूँगा। तो बेस मॉडल में आपको इसके रेट में आपको वैगन आर आप कंपेयर कर सकते हैं, सेलीरियो के कुछ वेरिएंट्स आप कंपेयर कर सकते हैं, इनफैक्ट जो एस्प्रेसो के हाई एंड वेरिएंट्स हैं आप उनसे भी इस गाड़ी के बेस वेरिएंट को कंपेयर कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि इसके प्राइसेस अभी इंक्रीज भी कर दिए जाएंगे, बट अभी हम 4,99,000 को इसका बेस प्राइस मान के इस गाड़ी को जज करेंगे, एंड ऑन रोड प्राइस लगभग 5,65,000 रुपीज़ गुड़गांव हरियाणा में आपको पड़ता है। वो सब चीज़ें आप अपनी स्टेट के हिसाब से देख सकते हैं, बट मैं आपको कंपेयर करके बताना चाहूँगा। तो उन गाड़ियों में मेनली मारुति की गाड़ियाँ आती हैं, टाटा टियागो भी आती है, नो 4-स्टार सेफ्टी रेटेड गाड़ी है, बट उसको आप अगर एक बार ही साइड रखेंगे एंड आपको अगर स्पेशियस एक गाड़ी चाहिए, वैगनार, सेलीरियो, एस्प्रेसो जैसी गाड़ियाँ अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर पिक होगा। पहली बात, हम इसका कोई भी सेफ्टी टेस्ट हुआ नहीं, तो मैं कोई नहीं होता इस गाड़ी को कोई भी प्रिडिक्ट करने का, बट हाँ काफ़ी सारे अलग फैक्टर्स होते हैं जैसे मैं आपको ऑलरेडी लिस्ट कर चुका हूँ। एक्टिव एंड पैसिव सेफ्टी फीचर्स होते हैं, क्रम्पल जोन होता है गाड़ी का, जो ओरिजिनल प्लेटफॉर्म होता है चेसी होती है उस पर डिपेंड करता है, शीट मेटल क्वालिटी होती है जिस
पे ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। इंटीरियर की प्लास्टिक क्वालिटी होती है जिस पे रैटलिंग वगैरह डिपेंड करती है गाड़ी की, कि किस हिसाब से जो प्लास्टिक्स हैं एज करते हैं। तो ये सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए किसी भी गाड़ी को जज करना पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो में एक इवन हैंड के साथ बता सकता हूँ क्या इसमें अच्छा है क्या इसमें बुरा है। मैं किसी भी कंपनी को यहाँ पर फिर से ना क्रिटिसाइज़ करूँगा और ना ही डिफेंड करने वाला हूँ। ये मैं अपनी तरफ से एक वीडियो बना रहा हूँ, एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ मैं इंडियन कंज्यूमर्स को। तो आप देख सकते हैं आगे से कुछ ऐसी कुछ दिखती है। तो अगर इस गाड़ी के टॉप एंड वेरिएंट की सेफ्टी फीचर्स की बात करें, दो एयरबैग्स ABS CVT आपको स्टैंडर्ड दिया गया है, टॉप एंड वेरिएंट में तो दिया गया है बट बेस वेरिएंट से। तो अब आप वैगनआर सिलेरियो जैसी अगर गाड़ियाँ खरीदने जा रहे हैं, मेरे हिसाब से दिस इज़ अ डेफिनेटली अ बेटर पिक। पहले तो आपको स्पेस ज़्यादा बेहतर मिल जाती है एंड सेफ्टी उन गाड़ियों में उतनी कोई खास नहीं है। बलिनो, इग्नेस और सियाज मैं पर्सनली ओन करता हूँ, तो मैं आपको उनके भी जो लेयर्स में शॉट्स दिखा दूंगा किस हिसाब से गाड़ी का जो शीट मेटल क्वालिटी है वो दबती वगैरह, बिकॉज वो एक एस्पेक्ट है सेफ्टी को जज करने का। बट काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो बाहर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो आपको स्ट्रक्चरली जो उनकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है उनमें ज़्यादा अच्छी लग जाएंगी। और हमने इसका एक एग्जांपल देखा भी है Volkswagen Polo में, जब 2014 में Alto एंड Polo एंड Ford Figo जैसी गाड़ियों को टेस्ट किया गया था इनकैप के द्वारा, तब वो उनके बेस वेरिएंट्स लिए गए थे एंड एयरबैग्स नहीं थे उन गाड़ियों में। तब Polo ने 0 स्टार स्कोर किए थे एंड एयरबैग्स वाला जब वेरिएंट टेस्ट किया गया था उसने 4 स्टार स्कोर किए थे। तो हाँ, सेफ्टी फीचर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करते हैं, एक्टिव एंड पैसिव सेफ्टी फीचर्स, जैसा मैं ऑलरेडी लिस्ट डाउन कर चुका हूँ। काफ़ी सारे हमारे पास प्रूफ्ड केसेस हैं जिन पे हम प्रेसिडेंस ले सकते हैं और मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको क्या क्या यहाँ पे खास मिलता है। तो डेफिनेटली अगर आप लोअर वेरिएंट्स कंसिडर कर रहे हैं, XC, XL वेरिएंट, XV वेरिएंट तक, तो मेरे हिसाब से आप इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। एंड अगर आप उन सेगमेंट की गाड़ियों से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली बलिनो से ज़्यादा सेफ़ ये गाड़ी लगती है देखने में। एंड प्रीमियम हैचबैक से भी आप कंपेयर करेंगे, स्टिल ये गाड़ी आपको काफ़ी डिसेंट बिल्ड क्वालिटी के साथ मिलती है। अब फ्रंट एंड गाड़ी का देखते हैं सबसे पहले। तो अगर आप यहाँ पे बम्पर वगैरह क्वालिटी देखने जाएंगे तो ये सब बेसिकली क्रम्पल जोन में आ जाता है गाड़ी के। अब क्रम्पल जोन क्या होता है, इट्स बेसिकली थोड़ा उसको सॉफ्टर बनाया जाता है ताकि जब भी इम्पैक्ट हो, कोई भी क्रैश हो, जो भी पेडेस्ट्रियंस होते हैं एंड जो पैसेंजर्स होते हैं उनको शॉक कम लगे और यहाँ पे जो भी पेडेस्ट्रियंस है उनको ज़्यादा नुकसान ना आए। तो ये आपका क्रम्पल जोन में आ जाता है। एंड किसी भी गाड़ी का बम्पर छुएंगे तो ये सॉफ्ट ही होता है, चाहे आप मारुति की कोई गाड़ी ले लीजिए, टाटा की ले लीजिए, आपको ये वाला हिस्सा काफ़ी सॉफ्ट ही मिलेगा। एंड इस गाड़ी का भी आपको वैसा ही मिलता है बिकॉज ये पेडेस्ट्रियन नॉर्म्स का एक हिस्सा होता है, सो कोई भी कंपनी इसको अवॉइड नहीं कर सकती है एज सच। बाकी अगर मैं आपको ग्रिल दिखाऊं, यस ग्रिल इस स्लाइटली लाइट, थोड़ी आपको फ्लिमजी फील हो सकती है, बट ये फिर से एक डिज़ाइन एलिमेंट में आ जाता है। ये आपको ऐसी कुछ यहाँ पे ग्रिल मिलती है एंड दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज इसमें आपको काफ़ी सारे ओपन स्पेसेस मिलते हैं, तो इसलिए भी इतनी ज़्यादा स्टर्डी आपको ये नहीं फील होने वाली ग्रिल, ये मैं आपको फ्रेंकली बता देता हूँ। सो अब एक बार आप गाड़ी का इंजन बे देख लीजिए तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है काफ़ी ठीक ठाक मिलती है, दैट इज़ नथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड ओवर हियर। आपको यहाँ पे कोई भी इंजन बे की कवरिंग नहीं दी गई, बट यहाँ पे जो आपको फ्रंट बीम दी गई है ये बेसिकली जो इम्पैक्ट है, फ्रंट इम्पैक्ट ड्यूरिंग कोलिजन, उसको रिड्यूस करने में कहीं ना कहीं मदद करेगी। एंड इंसुलेशन यहाँ पे दी गई है जो अच्छी बात है बिकॉज इस इंजन में आपको ये 3 सिलेंडर यूनिट है टर्बोचार्ज, अभी जो आप देख रहे हैं इसमें NVH लेवल्स आपको थोड़े हाई मिलते हैं। कैबिन में वाइब्रेशंस को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे निसान ने ये इंसुलेशन दी है जो ज़रूरी भी है मेरे हिसाब से। आपके साइड प्रोफाइल की बात करें यहाँ पे, तो पहले तो आपका फ्रंट राइट फेंडर आ जाता है, तो फेंडर की आपको क्वालिटी काफ़ी ठीक मिलेगी, ये आसानी से ज़्यादा दबता नहीं है एंड किसी भी गाड़ी का आसानी से दबने वाला हिस्सा नहीं होता है बिकॉज ये क्रम्पल जोन में नहीं आता, इसलिए आपको क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी। अगर मैं आपको ये सुनाऊँ तो काफ़ी आपको बेसी आवाज़ सुनाई देगी, सो इन दैट केस यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। निसान मैग्नेट की आपके ब्रांडिंग मिलती है, ये भी काफ़ी नीटली इंटीग्रेटेड है, कोई पैनल गैप आज सच में यहाँ पे नहीं देख पाया। यहाँ पर भी जो पैनल गैप्स हैं आपको यूनिफॉर्म मिलेंगे काफ़ी हद तक। अगर आप बॉनेट भी देखेंगे आपको यूनिफॉर्म पैनल गैप्स मिलते हैं, तो ये सब चीज़ों में मेरे हिसाब से कोई भी नीटपिकिंग मैं नहीं कर सकता। नीचे आते हुए आपको क्लैडिंग का हिस्सा मिलता है, अगेन ये आपको मोस्टली हर कॉम्पैक्ट SUV में दिया गया है, सो दैट इज़ अगेन अ नॉर्मल फीचर ओवर हियर। अब साइड प्रोफाइल पे हम आ गए हैं, तो अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने वीडियोस डाली हैं कि आसानी से दब जाता है, तो आप देख सकते हैं आपको ऐसा कुछ यहाँ पे क्वार्टर पैनल मिलता है। तो क्वार्टर पैनल की अगर आप शीट मेटल क्वालिटी की बात करेंगे तो यस दिस इज़ स्लाइटली लाइट शीट मेटल, बट अगेन मैं यही कहना चाहूँगा आप देख सकते हैं आसानी से थोड़ा दब जाता है, बट यहाँ पर मैं फिर से यही बात कहना चाहूँगा कि शीट मेटल क्वालिटी किसी गाड़ी में आपको थिक मिलेगी, किसी गाड़ी में आपको हल्की मिलेगी। मैं फॉर रेफरेंस आपके लिए बलिनो की भी डाल दूंगा यहाँ पे,
फुटेज एंड एक्सेंट की भी डाल दूंगा, ह्यूंडा एक्सेंट दोनों गाड़ियां मैं ओन करता हूं, तो आप ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि फेंडर की क्वालिटी किस हिसाब से होती है। बाकी आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें, दरवाजे का आपको थर्ड सुना देता हूँ, तो थर्ड भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है यहाँ पे, जो शीट मेटल की क्वालिटी है यहाँ पे आपको अच्छी मिलेगी, तो उसमें भी मुझे कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं मिली। अब प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह आप देखेंगे, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी सस्ती लॉन्च करी गई है एज़ कम्पेयर टू कम्पेटिटर्स, और आपको वैल्यू प्रोवाइड करने वाली गाड़ी है, तो हाँ जी आपको वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर देखने को मिलेंगे, एंड मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा, बट वो जो कॉम्प्रोमाइज़ है मेरे हिसाब से आप इसको पॉइंट आउट नहीं कर पाएंगे कहीं पे भी। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जो बिडिंग वगैरह है, बिडिंग की क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है, ऊपर इंसुलेशन आपको सिंगल ही इंसुलेशन मिलता है, बट इंसुलेशन की आप क्वालिटी देख सकते हैं यहाँ पे, आपको इंसुलेशन दी गई कैबिन ताकि दरवाज़ा आपका अच्छे से बंद वगैरह हो जाए। एंड अगर आप पारपेटिंग देखना चाहेंगे रूफ़ की, तो ये कुछ लोगों ने यहाँ पे दिखाया कि ये प्ले है इसमें, तो प्ले नहीं है एक्चुअली, होता ही इतना प्ले होता है हर रूफ़ लाइनिंग में, बिकॉज कोई भी गाड़ी ठंडी और गर्मी दोनों टेम्परेचर्स को अडेप्ट करनी चाहिए और उसमें इफ़ेक्ट्स नहीं पड़ने चाहिए, इसे इतना प्ले होता है ताकि अगर गर्मी में एक्सपैंड भी करे या लूज़ भी हो मॉइस्चर कंटेंट के कारण, तब आपको एकदम से कोई भी चेंजेस नहीं मिले और लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो उतना प्ले आपको किसी भी गाड़ी के रूफ लाइनर में मिलेगा। कोई भी दिक्कत यहाँ पर मैं पॉइंट आउट उस एस्पेक्ट में भी नहीं कर पाऊँगा। सीटिंग वगैरह आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, कम्फर्टेबल सीट्स मिलती हैं, तो कोई भी यहाँ पर सीट्स में भी क्वालिटी का इशू नहीं है। रिक्लाइन एंगल आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट्स मिल जाते हैं इस वेरियंट में, एंड फोल्डेबल 60-40 स्प्लिट रेशियो सीट्स हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं, तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में ज़रूर रखना पड़ेगा। अब बढ़ जाते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, तो अब हम फिर से प्राइस को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी की प्लास्टिक क्वालिटी को जज करेंगे। आप डोर हैंडल वगैरह देख सकते हैं, ये जो लॉक एंड अनलॉक के बटन्स वगैरह है, क्वालिटी लेवल्स आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। एंड अगेन यहाँ पे हम प्लास्टिक क्वालिटी ही मेन एज अ बिल्ड क्वालिटी के एस्पेक्ट में हम बात करने वाले हैं। इंसुलेशन आप देख सकते हैं दरवाज़ों पर आपको मिलती है, तो ये सब जगहों पर उतनी कॉस्ट कटिंग नहीं करी है निसान ने, एंड क्वालिटी लेवल्स आपको ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे, बट ऐसी भी कोई बात नहीं कि आपके लिए डील ब्रेकर बन जाए यहाँ पे इंटीरियर क्वालिटी। आप दरवाज़ा देख सकते हैं, पोजीशन लॉक्स मिलते हैं आपको, एंड काफ़ी अच्छा वेट इसमें फील होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हल्के दरवाजे हैं, थर्ड भी आपको सुनाई देगा। एंड इंटीरियर में घुसते ही आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप बहुत ही कोई लोअर सेगमेंट की गाड़ी में बैठे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रखी गई है, इससे लोगों के मन में थोड़ा बहुत यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि यहाँ पे कहाँ कॉस्ट कटिंग करी होगी। आप सुन सकते हैं हार्ड प्लास्टिक्स हैं कैबिन में, बट स्टिल ये हार्ड प्लास्टिक्स अच्छी क्वालिटी के हैं, पैनल कैप्स यूनिफॉर्म रखे गए हैं, हालांकि छोटे छोटे टिडबिट्स में आप शायद नेट पैकिंग कर पाएँ, बट अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेंगे तो आपको कोई भी शिकायत नहीं होने वाली है, स्पेशली अगर आप लोअर वेरिएंट्स कंसिडर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट वगैरह ऑप्शंस मिलते हैं। फीचर्स के बारे में मैं नहीं बात करूँगा यहाँ पे, क्वालिटी ही मेन मेरा यहाँ पे पॉइंट रहेगा यहाँ पे बात करने का। आपको ऊपर सन वाइजर में यहाँ पे कवरिंग भी मिलती है जो वैनिटी मिरर्स हैं उनके लिए, जो काफ़ी सारे ऑटोमेकर्स मिस कर जाते हैं, बट ये एक अच्छी अटेंशन टू डिटेल है जो यहाँ पे निसान ने यहाँ पे काम किया है। आप ग्लव बॉक्स भी देख सकते हैं, आपको लाइट वगैरह मिलती है, एंड इसमें भी काफ़ी अच्छा आपको वेट मिलता है। प्लास्टिक क्वालिटी डेंस है, एंड थिकनेस वगैरह अच्छी है यहाँ पे, एंड आप सुन सकते हैं नॉकिंग वगैरह यहाँ पे, आपको हार्ड प्लास्टिक से मिलते हैं ऑब्वियसली, बट अच्छे हार्ड प्लास्टिक से, मैं अगेन यहाँ पे रिएट्रेट कर रहा हूँ। आप ऊपर स्क्रीन के अलॉन्ग भी देख सकते हैं गैप्स वगैरह नहीं है ज़्यादा, आपको यहाँ पे लेदर स्टिचिंग मिलती है हैंड ब्रेक और गियर नॉब दोनों पे, एंड स्टीयरिंग व्हील पे तो मिलती है। सेंटर कंसोल में भी प्ले नहीं है, मैं बलिनो जैसी गाड़ियों को ओन करता हूँ, मैंने इस पर आपको थोड़े बहुत यहाँ पे कैमरा शॉट्स भी डाले हैं, तो उनमें थोड़ा प्ले आ जाता है, बट इसमें प्ले नहीं है, काफ़ी स्टर्डी सेंटर कंसोल है यहाँ पे प्लास्टिक्स, तो ये हिलते नहीं है। एंड आई एम श्योर कि अगर आप 4-5 साल भी इस गाड़ी को अच्छे से चलाएंगे, तब भी आपको यहाँ पे कोई भी रैटलिंग इश्यूज़ नहीं आने चाहिए मेजरली, बट वो हम सिर्फ लॉन्ग टर्म यूसेज के बाद ही यहाँ पे कंफर्म कर पाएंगे। इट्स टू अर्ली टू ड्रॉ कंक्लूजन यहाँ पे। आप साइड पे बटन्स वगैरह की क्वालिटी अच्छी है, टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स आपको अच्छे मिलते हैं, सॉलिड फील होते हैं ये बटन्स वगैरह एटलीस्ट, तो ये सब चीज़ें हैं जो हम अप्रिशिएट करना चाहिए हमें यहाँ पे। ये बटन्स वगैरह आपने बाकी रेनो निसान की गाड़ियों में देखे हैं। स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स की फील काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, स्टर्डी फील होते हैं, एंड काफ़ी क्लिकी हैं, तो आपको एक हैप्टिक फीडबैक भी मिलता है जब आप इनको यूज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे वर्थ अप्रिशिएटिंग है। सो इट्स नॉट लाइक अ वेरी हाई एंड व्हीकल, बट हाँ यहाँ पे आपको जो प्राइस पे गाड़ी ऑफर करी गई है वहाँ पे अच्छी क्वालिटी है। अब ये पैनल यहाँ पे देख सकते हैं, साइड पैनल है, यहाँ पे इतनी आसानी से दबता नहीं है ये फिर से बम्पर आ जाता है, क्रम्पल जोन का हिस्सा है, तो इसलिए कंपनी ने इसको यहाँ पे थोड़ा सा
यहाँ पे थोड़ा प्ले रखा है इसमें, तो क्लैडिंग वगैरह आपको काफ़ी अच्छी स्टर्डी मिलेगी। अब एक बार बूट को एक्सेस कर लेते हैं, तो जब आप बूट गेट खोलेंगे आपको काफ़ी नॉर्मल जैसे आप गाड़ियाँ यूज़ करते हैं वैसी ही फील होगी। ज़रूर VW एंड फोर्ड वाली क्वालिटी यहाँ पर नहीं है, बट अगेन आप प्राइस को आप देखिए फिर इसको जज करिए। यहाँ पे पैनल गैप्स वगैरह आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इंसुलेशन आप देख सकते हैं, जो प्लास्टिक्स यूज़ करे गए हैं यहाँ पे, कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई। यहाँ पे आपको बेयर मेटल के पैनल्स भी नहीं मिलते, सारे प्लास्टिक में कवर्ड हैं, तो ये फिनिशिंग यहाँ पे बूट में अच्छी करी गई है फिर से। एंड ये आप देख सकते हैं आपको फिर से रबर की इंसुलेशन यहाँ पे मिलती है, पार्सल ट्रे एंड ऑल। एंड आप बूट को जब बंद भी करेंगे तब यहाँ पे आपको वेट यहाँ पे ज़रूर फील होने वाला है। अब ऊपर बढ़ते हुए यहाँ पे मेरे हिसाब से आप बाकी गाड़ियों में आप शायद एक बारी को शिकायत कर पाएँ, बट यहाँ पे रूफ रेल्स आपको 50 kg लोडिंग कैपेसिटी के साथ मिलती है, तो वो आपको सेगमेंट में बाकी गाड़ियाँ भी नहीं ऑफर करती हैं। एंड ये बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पर तो आपको ज़रूर क्वालिटी इशू नहीं होने वाला है, बिकॉज द कंपनी है स्टेटेड की 50 kg का आपको यहाँ पे लोडिंग कैपेसिटी मिलता है। आप फिर से नॉकिंग सुन सकते हैं दरवाज़ों, बहुत ही ज़्यादा आपको बेसी आवाज़ नहीं मिलेगी, बट स्टिल यहाँ पे ठीक ठाक आपको क्वालिटी यहाँ पे दी गई है। पैनल गैप्स वगैरह आप फिर से देख सकते हैं, जो ORVMs की फिनिशिंग है, पेंट क्वालिटी। एंड अगेन यहाँ पे अगर आपकी शीट मेटल क्वालिटी डिसेंट नहीं होगी तब आपका जो पेंट है वो भी निखर के नहीं आएगा, तो यहाँ पे पेंट क्वालिटी में आपको ग्लॉस काफ़ी अच्छा मिल रहा है, आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो ये शीट मेटल क्वालिटी डिसेंट है, ज़्यादा मैं बहुत थिकनेस वाला शीट मेटल क्वालिटी यहाँ पे इसको नहीं कहूँगा, बट यस मेरे पास कोई डिवाइस भी नहीं है इसको जज करने के लिए। बट जैसा मैं लेमैन्स टर्म में बाकी गाड़ियों को, मैं बहुत सारी गाड़ियाँ रोज़ यहाँ पे रिव्यू करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, तो यस उनके कंपैरिजन में आपको कोई यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा। एंड ये आपको मैंने वीडियो में भी दिखा दिया है। अगेन हम साइड पैनल पर आ गए हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। तो डोर हैंडल आपको शायद थोड़ा फ्लिमजी लग सकता है, इसमें उतनी ज़्यादा कोई स्टर्डी फील नहीं है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ लगेगा। सो गाइज अगर आप मुझसे पूछोगे कि मेरा वर्डिक्ट क्या है निसान मैग्नाइट के ऊपर, उसकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यहाँ पे रखे हैं निसान ने, तो मेरे हिसाब से जो लोअर वेरिएंट्स हैं 4,99,000 रुपीज़ एक्स शोरूम, इसका इंट्रोडक्टरी एक्स शोरूम प्राइस रखा है एक्सी वेरिएंट के लिए, उसको ये जो क्वालिटी है जस्टिफाई करती है, बिकॉज ये गाड़ी एग्जैक्टली कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में नहीं बैठती है। ये प्राइस के अकॉर्डिंग तो आप डेफिनेटली कॉम्पैक्ट SUV से तो नहीं कंपेयर कर सकते, बिकॉज ये 1.5 से 2 लाख रुपए सस्ती आपको पड़ जाती है अगर आप कोई भी कॉम्पैक्ट SUV उठा लेंगे सेगमेंट में। एंड ये कहीं ना कहीं प्रीमियम हैचबैक्स के साथ कम्पीट करती है जो इसके हायर वेरिएंट्स हैं, एंड जो इसके जो लोअर वेरिएंट्स हैं वो कॉम्पैक्ट हैचबैक्स के साथ कम्पीट करते हैं। आप टियागो ले सकते हैं, हालांकि टियागो यहाँ पे एक्सेप्शन है, उसकी बिल्ड क्वालिटी बेहतरीन है, बट यहाँ अगर आपको स्पेस चाहिए तो आई थिंक इसका जो बेस वेरिएंट है या जो स्पेस से ऊपर वाला XL वेरिएंट है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाते हैं। अगर आप वैगनआर, सेलेरियो या एस्प्रेसो जैसी कोई गाड़ियाँ देख रहे हैं, इनफैक्ट क्विड जैसी भी कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, तो उनसे थोड़ा अगर आप बजट एक्सटेंड करके इसका बेस वेरिएंट भी ले लेंगे तो मेरे हिसाब से जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यहाँ रखे गए हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इनमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगर शीट मेटल क्वालिटी वगैरह हम देखें तो वो सब हम सिर्फ अभी अपने जो हमारी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ही जज कर सकते हैं, अभी तक इसका कोई भी ग्लोबल NCAP टेस्ट रेटिंग आया नहीं है, तो हम अभी भी कोई भी यहाँ पे वर्डिक्ट नहीं पास कर सकते हैं बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। बट हाँ, जो दिखने में जो क्वालिटी लेवल्स हैं, एंड क्रैश टेस्ट हर चीज़ नहीं होती, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो सेफ्टी पे डिपेंड करते हैं, सेफ्टी जिन पे डिपेंड करती है, तो ग्लोबल NCAP को अगर हम साइड रखें एक बार को, तो इसकी क्वालिटी लेवल्स डिसेंट है। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत हाई क्वालिटी के हैं, अगर आप कोई भारी गाड़ी अभी चला रहे हैं एंड आप जरूर एकदम से इस पे शिफ्ट करेंगे तो आपको ज़रूर हल्की लगेगी, बट अगर आप एक अपग्रेड कर रहे हैं, अगर आप मारुति की कोई लो सेगमेंट की गाड़ी से अपग्रेड करें, तो येस आपको यहाँ पे क्वालिटी लेवल्स अच्छे मिलेंगे, कोई उनमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।